हैं तो यहाँ पर नीचे लिखा है कि 17 लाख रुपए आपको मिल रहा है, ये कुछ क्लैरिटी हो रहा है इसको देख के कि नहीं हो रहा है? जी हो रहा अच्छा, है सर, इस तरीके से हम किसी को बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? बिल्कुल सर। ठीक है, कल 45 रुपीज बताया पर डे इन्होंने इसी से, आपने भरा। हाँ जी बताइए। कल इसी से जीवन उमंग ही किसी को समझा रहे थे। बढ़िया ना, अच्छा प्लान है। आगे देखिए, आपको पहले दिन से, अब देखिए ये वाला तो सिंपल वाला है, ठीक है, थोड़ा सा बैक करते हैं, थोड़ा सिंपल वाले को थोड़ा सा हम और ज्यादा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से हमने थोड़ा सा बैक किया, और थोड़ा सा बैक जाने के बाद उसके बाद हम इसको, ये एडवर्टाइजमेंट तो खैर बीच में आता रहेगा, और पीडीएफ हमने इसका ओपन किया। जब हम इसका पीडीएफ ओपन करते हैं तो इसमें डिटेल्ड इलस्ट्रेशन आता है। पहले वाला जो इलस्ट्रेशन था वो शॉर्ट में था, ये वाला जो इलस्ट्रेशन है ये डिटेल में है। तो जब डिटेल वाला इलस्ट्रेशन हम इसके अंदर खोलते हैं तो डिटेल वाले इलस्ट्रेशन में हमें ये ईयर वाइज समरी बताता है कि हर साल का इसके अंदर कैसा कैसा रहेगा। आप ये देखिए यहाँ पर इसका ये डिटेल्ड इलस्ट्रेशन इसका शुरू हो रहा है, WPS ऑफिस के थ्रू ने इसको खोल लिया है। यहाँ पर इसका जो डिटेल्ड इलस्ट्रेशन आएगा ईयर वाइज, वैसे तो इसके अंदर देखिए 45 रुपीज पर डे करके 17 लाख मिल रहे हैं, ये तो पहला हो गया, ठीक है ना। लेकिन अभी मान लो 1000 में से एक आदमी का, किसी का डेथ भी तो हो सकता है, ऐसा थोड़ी ना है कि सारे के सारे 100% लोग सारे के सारे इसका मेच्योरिटी लेने वाले हैं। यहाँ पर हमने इसको समझा था 45 रुपीज पर डे के हिसाब से, थोड़ा सा हम इसको जाते हैं यहाँ पर, इसमें कहीं पर हाँ ये लिखा, सेव रुपीज 45 रुपीज पर डे यहाँ पर लिखा है, एंड गेट 17 लाख रुपए एट एज 100। ये एट एज 100 नहीं है, 100 तक यदि आप 45 रुपए रोज जमा करते हैं तो आपको 17 लाख रुपया इसके अंदर मिल रहा है। तो 45 रुपए के बदले में 17 लाख, बहुत शानदार प्लान है, और इसके अंदर प्लानिंग इतना शानदार है, इतना बढ़िया प्लानिंग है। आप ये देखिए यहाँ से आपको, हाँ बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? नहीं सर, अच्छा, तो इसके अंदर आप ये देखिए 15वें साल के अंदर आपको ये पैसा मिलना शुरू हो गया। 30 साल का आदमी था, 30 साल के आदमी को हमने 15 साल पैसा भरा, 45 का जैसे ही एज आया, तो 45 का एज आते ही आप अपना या तो माइक बंद कर लीजिए, वरना मुझे बीच बीच में लगता है कि आप कुछ बोलना चाह रहे हैं। आपका माइक ऑन है ना, तो मुझे ऐसा लगता है बार बार कि शायद आप कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ, तो 16 हजार रुपए आपको यहाँ पर मिलना शुरू हो रहा है। 15 साल के बाद आपको 16 हजार रुपए हर साल मिल रहा है, ये मिलता जा रहा है, 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 मिलता जा रहा है। जिंदगी में आप ये देखिए कब तक मिल रहा है, जब तक आपकी उम्र 100 साल तक नहीं हो जाती। ये वाला प्लान आप अपने लिए भी ले लीजिए, आपके लिए भी ये प्लान बहुत ही शानदार है। 100 की उम्र में आपको पैसा यहाँ पर मिल रहा है 17 लाख 8 हजार टोटल। एक्चुअली आपको 17 लाख नहीं मिला, 25 लाख मिला। तो एक्चुअली हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि 45 रुपए रोज बचाओ 17 लाख मिलेगा, 45 रुपए रोज बचा के 25 लाख मिल रहा है, इससे ज्यादा शानदार प्लान कोई हो ही नहीं सकता। और इसके अंदर पैसा इतनी बार मिल रहा है, इतनी बार मिल रहा है, इतनी बार मिल रहा है, 15 साल से शुरू हो रहा है, कोई भी एज आप इसमें ले लीजिए, ये पैसा आपको लगातार मिल ही रहा है। और ये बहुत ही शानदार प्लान है, बहुत ही प्रॉफिटेबल प्लान है, बहुत ही पावरफुल प्लान है। ये वाला प्लान आपके किसी काम आ सकता है क्या? आप ये लोगों को बता सकते हैं? सिंपल, लीडर के अंदर जाना है, लीडर के अंदर जाके लोगों को इसके बारे में बता डालना है। जी, क्या आप इसके बारे में बोल सकते हैं, क्या आप इसके बारे में लोगों को कह सकते हैं, समझा सकते हैं? पॉसिबल बिल्कुल सर, है समझा नहीं सकते है? हैं समझा सकते जी, हैं इस पॉसिबल वाले है सर। प्लान के अंदर। हाँ, तो आपको इसके अंदर पैसा मिलना शुरू हो रहा है, 15वें साल से पैसा शुरू हो रहा है, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, जब तक इंसान 100 साल का नहीं होएगा पैसा मिलता रहेगा। और जिस समय डेथ होएगी, मान लो 100 साल में तो डेथ वैसे सबकी होती नहीं है, 100 साल में तो इक्का दुक्का कोई आदमी बचता, ज्यादातर लोग का क्या होता है 65, 70 तक नहीं बढ़ जाते हैं। तो 70 तक भी गए तो 70 के अंदर भी पैसा इसके अंदर अच्छा मिल रहा है। पहले दिन से इसके अंदर इंश्योरेंस का आपको गारंटी मिल रहा है, फैमिली को पहले दिन से इसके अंदर गारंटी मिल रहा है, फैमिली को पहले दिन से इसके अंदर अच्छा पैसा मिल रहा है, रिटर्न इसके अंदर अच्छी आ रही है, इन केस ऑफ डेथ गारंटीड इसके अंदर मिल रहा है पैसा। इसका एक बहुत बड़ा फायदा है कि गारंटीड पैसा इसके अंदर मिलता है, बहुत बड़ा फायदा इस प्लान का ये वाला अवेलेबल है कि इसके अंदर गारंटीड पैसा मिल रहा है। गारंटीड पैसा इसके अंदर कैसे मिल रहा है, अब यहाँ पर मैं आपको इसके अंदर दोबारा से एक बार उसी इलस्ट्रेशन को एक बार फिर से खोल के दिखा देता हूँ। ये वाली इलस्ट्रेशन मैंने दोबारा से एक बार खोल लिया है, और इस वाली इलस्ट्रेशन के अंदर ये लिखा है कि यहाँ पर आपको जो पहले दिन से जो आपका इंश्योरेंस कवर है, आप यहाँ पर इसको देखेंगे, इंश्योरेंस कवर वाला स्क्रीन, ये इंश्योरेंस कवर वाला स्क्रीन मैंने खोल लिया है। पहले दिन से आपके परिवार को गारंटी मिल रहा है, आपने 45 रुपए रोज बचाना शुरू कर दिया, आपकी फैमिली को पहले दिन से गारंटी मिल रहा है 2,11,400। कितने गुना हो गया, आपने पहले साल में पैसा भरा 16 हजार रुपए,
हाफ ईयरली भरा 8,000 रुपए। आप यहाँ पर ऊपर आकर देखिए, यहाँ पर पैसा आपका लिखा हुआ है हाफ ईयरली 8,000, क्वार्टरली 4,000, मंथली 1,400 रुपए। 1,400 रुपए मंथली, इवन दो मंथली भी भरे आपने, दो मंथली भी भर के आपको गारंटी इसका कितने रुपए का हो गया, 2,11,000 रुपए का। दो मंथली कितने रुपए के हो गए, 1,426 और 1,426। दो महीने का प्रीमियम भरा आपने मंथली नाच के अंदर 1,426 और 1,426, तो 1,426 और 1,426 कितने होते हैं, 2,852 रुपए। 2,852 आपने भरा, 2,852 भरते ही आपके परिवार को गारंटी हो गया। कितने रुपए का गारंटी हो गया, 2,11,400 रुपए का गारंटी हो गया। तो 2,800 भरने के बाद 2,00,000 का गारंटी होता है, 90 गुना का गारंटी हो गया। ऐसा है कि नहीं, 90 गुना आपका पैसा एक दिन के अंदर 90 गुना हो गया। हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा सर। तो ये 90 गुना ये कैलकुलेट करके लोगों को बताना जरूरी है। मैंने आपको अंदाजे से बताया, जैसे बताया मैंने आपको क्या किया, 1,426 दो महीने के इंस्टॉलमेंट लिया, 2,852 हो गया, 2,852 मैंने भाग दे दिया, 2,11,400 डिवाइडेड बाई 2,852 रुपए, लगभग 90 गुना 85 गुना ऐसा कुछ बनता है। एक्सीडेंटल गारंटी, यदि भगवान ना करे एक्सीडेंट में डेथ हुआ, 4,11,400 मिलेगा, 180 गुना 170 गुना पैसा आपका पहले दिन से हो गया। जैसे ही आप पॉलिसी नंबर लगा, आपकी पॉलिसी का वैल्यू हो गया 170 गुना। बढ़िया प्लान है कि नहीं? बढ़िया है सर। हाँ, तो इसी को पावरफुल तरीके से, कॉन्फिडेंट तरीके से यदि आप लोगों को बता पाएंगे तो आपका सेल बहुत ही शानदार तरीके से होने वाला है। उसके बाद इसके अंदर एज दे रखा है 30 के बाद 31 साल। अगले साल 2021 में आपने पॉलिसी लिया, 2022 के अंदर आपका एज बढ़ गया, एज भी बढ़ गया लेकिन आपका प्रीमियम घट गया। आप देख रहे हो 16,782 पहले साल का प्रीमियम है, बाकी सालों का प्रीमियम आपका 16,420 है। बाकी के 14 सालों में कम भरना है, पहले साल के अंदर 16,782 भरना है। ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, ये फर्क क्यों आ रहा है, प्रीमियम घट क्यों रहा है, क्यों घट रहा है प्रीमियम? प्रीमियम घटने की वजह क्या है? टैक्स कम हो जाता है सर। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है मिश्रा जी आपके, वेलकम। बढ़िया सर, टैक्स सेकंड ईयर में टैक्स कम हो जाता है सर, जीएसटी। बढ़िया, आप मिश्रा जी नहीं आए हो ना तो यहाँ पे किसी का भी मन नहीं लगता है, तो आप टाइम से आ जाए। आप टाइम से आ जाया करो। सो ये वाला पावरफुल तरीके से लोगों को बताएंगे, कैश वैल्यू अवेलेबल है, लोन अवेलेबल है, यहाँ पर आपका पैसा ये बढ़ता चला जा रहा है, इंश्योरेंस कवर बढ़ता चला जा रहा है। डिजेबिलिटी कवरेज में क्या मिलेगा, चलो मुझे ये तो बता दो जरा। यदि डिजेबिलिटी हुआ, मान लो पॉलिसी लिया, पॉलिसी लेते ही पॉलिसी नंबर लगा, कुछ दिन के बाद डिजेबिलिटी हो गया, परमानेंट डिजेबिलिटी, हैंडीकैप हो गए, क्या मिलेगा ये बता दो जरा। परमानेंट डिजेबिलिटी में क्या मिलेगा, हैंडीकैप होने पर क्या मिलेगा? परमानेंट डिजेबिलिटी में क्या मिलेगा? इतना भारी भरकम सवाल तो नहीं पूछा मैंने। किस्त तो देना बंदी हो जाता है सर उसमें, बाकी रिटर्निंग का नहीं पता मुझे कि कितना। ओके बढ़िया, एक तो प्रीमियम माफ हो गया, प्रीमियम तो माफ हो जाता है सर। सर प्रीमियम माफ, एक तो ये प्रीमियम आपका माफ हो गया, 10% मिलना चालू हो जाएगा हर साल। 10% किस चीज का, किस चीज का 10%? क्लाइंट को कैसे बताओगे, क्लाइंट को पावरफुल तरीके से कैसे बताओगे? एक तो प्रीमियम माफ हो जाएगा, दूसरा 10% मिलेगा सम एश्योर्ड का, और जितना सम एश्योर्ड है सर। हाँ, तो सम एश्योर्ड का 10% मिलेगा, और मैच्योरिटी पूरा मिलेगी टाइम आने पे। मैच्योरिटी कितनी है, कितने रुपए मैच्योरिटी, कितने रुपए की मैच्योरिटी है? इतने ढीले ढाले डरते डरते बताओगे तो सेल कहां से होगा? 17 लाख की मैच्योरिटी है सर। 17 लाख की मैच्योरिटी मिलेगी, और क्या मिलेगा? यदि आप फायदे वाली चीजों में अटकोगे तो सेल कैसे करोगे? जिन चीजों के अंदर कस्टमर को फायदा होने वाला है, जिन चीजों के अंदर कस्टमर, जिनकी वजह से कस्टमर, जब तक आप फायदा 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 अलग अलग तरीके से बताओगे नहीं, कोई आपसे खरीदेगा क्यों? कम से कम जितने भी प्लान है उन सबके सारे के सारे फायदे तो आपको पता होने चाहिए ना।
और ना केवल फायदे पता होने चाहिए बल्कि उन फायदों को आप पावरफुल तरीके से बता भी पानी चाहिए। हाँ जी बताइए 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 और कोई बता दीजिए क्या हो गया भाई, बाकी साथी भी हैं बता दीजिए। नहीं समस्या है, अजय आप तो बता दो, अशोक जी आप कुछ बताइए। और कोई नहीं, नहीं किसी का बताने का नहीं है हाँ? ओके तो फिर आप सेल कैसे करते हो भाई, आप जब इसके बेनिफिट्स पूरी तरीके से आप यदि बता नहीं पाते हो या तो बताने में दिक्कत है तो फिर आपको सेल कर तो फिर इसका मतलब तो हम डिसेबिलिटी बेनिफिट के बारे में किसी को बता ही नहीं रहे, ऐसे कैसे सेल करते हो आप जब पूरे पूरे बेनिफिट आपको, तभी तो सेल के अंदर दिक्कत आता है, तभी तो लोग पॉलिसी खरीदने के अंदर तकलीफ करते हैं, तभी तो प्रॉब्लम आता है कि भाई ये पॉलिसी खरीदने में लोग आपको दुनिया भर की इधर उधर की बातें करते हैं। हेलो और कोई कोशिश करना चाहें सर आप बता दीजिए। मैं बता देता हूँ ठीक है, अच्छी बात है बढ़िया। तो पेपर और पेन ले लीजिए, कागज और पेन ले लीजिए और लिख लीजिए कि क्या मिलेगा डिसेबिलिटी होने पर क्या मिलेगा। कागज और पेन ले लीजिए, कागज और पेन आप लेके लिख लीजिए जिससे कि भूलेगा नहीं। नंबर वन पहला काम क्या होगा, यदि कोई डिसेबिलिटी हुई, भगवान ना करे यदि कोई डिसेबिलिटी हुई, सबसे पहला काम क्या होगा प्रीमियम माफ हो जाएगा। प्रीमियम कितना है 16,782 पहले साल का है, 16,420 बाकी के 14 साल का है, टोटल मिला के पूरे सभी सालों का प्रीमियम कितना हो गया 2,46,662 लिख लीजिए, 2,46,662 लिख लीजिए, कहीं लिख लीजिए वहां पर लिखेंगे। है पेन है पेपर है लिख दिया सर, 2,46,662 रुपये माफ हो जाएगा, 2,46,662 रुपये, 2,46,662 माफ नहीं होगा, नहीं माफ होगा क्योंकि आपने पहले साल का प्रीमियम तो भरी रखा है, तो पहले साल का तो माफ करने की जरूरत ही नहीं है, ये जो आपने 16,782 है इसको तो भरी रखा है, इसको थोड़ी ना माफ करना है, ये तो ऑलरेडी आप भर चुके हैं ना, तो बाकी के 14 साल का प्रीमियम माफ होगा ना, जब भी डिसेबिलिटी होगी तो बाकी के सालों का माफ होगा, तो ऑलरेडी आपने भर दिया वो थोड़ी ना माफ होने वाला है, वो तो भर दिया ठीक है। तो सबसे पहले आपका 2,46,662 जो आपका टोटल प्रीमियम आपने भरा वो वाला माफ हो गया ठीक है। लिखा आपने सभी ने, सब लिख लिया सर ठीक है बढ़िया। अजय आपने लिखा कि नहीं लिखा, लिख लिया। हरिराम जी आप हाँ लिख लिया सर, अशोक जी हरिराम जी नोट कर लीजिए। उसके बाद आपका ये 2,46,662 पहले साल का जो 16,782 है ये वाला आपका ये ऑलरेडी आप भर चुके हैं, हम इसके अंदर ये क्या मान रहे हैं कि डिसेबिलिटी जो हुआ है वो पहले साल में हुआ है, पहला प्रीमियम भरा पॉलिसी नंबर लगा और उसके बाद डिसेबिलिटी हो गया तो क्या मिलेगा। नंबर वन ये दो चीजें हो गई, नंबर तीन बोनस इसके अंदर जो पॉलिसी में हर साल जुड़ रहा है वो जुड़ता चला जाएगा, नंबर चार जो फाइनल एडिशन बोनस जो इसके अंदर पॉलिसी में लगने वाला था वो इसके अंदर लगेगा। अगली बात जो इसके अंदर इंश्योरेंस कवर जो हर साल ये जो नेचुरल इंश्योरेंस कवर है ये हर साल बढ़ता चला जाएगा। अगली बात एक्सीडेंटल कवरेज जो हर साल इसके अंदर बढ़ रहा है वो बढ़ता चला जाएगा। कैश वैल्यू इसके अंदर जो बरकरार है वो मौजूद रहेगी। लोन इसके अंदर जो है वो आप ले सकते हैं, जब भी चाहें ले सकते हैं। इसके अलावा बिना प्रीमियम भरे जो 16,000 रुपये सालाना आपको मिलने वाला था 15 साल के बाद जो 16,000 रुपये सालाना आपको मिलने वाला था, 16,000 रुपये आपको 15वें साल के बाद ऐसे का ऐसा मिलेगा 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 मिलेगा, ये देखिए मिलता जा रहा है, ये आपको मिलता जाएगा। इसका मतलब टोटल आपको पैसा वो सारा का सारा 16,000 मिला, 100 साल की उम्र तक मिला, या तो बीच में डेथ हो गए तो उस समय नॉमिनी को मिल जाएगा, 17,08,000 आपको ये मिला। हम ये चलते हैं, हमें किसी भी क्लाइंट को बोलना है हमें उसको क्या बोलना है, सर आप जिंदा कब तक रहने वाले हैं, 100 साल तक। हाँ आप यदि जाना चाहें पहले 90 में 85 में 80 में 70 में तो भाई साहब आपकी मर्जी है, मैं तो चाहता हूँ आप 100 साल तक रहें, रिन्यूअल प्रीमियम भरते रहें, मेरे को भी नई नई पॉलिसियाँ करवाते रहें, नए नए रेफरेंस देते रहें, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि आप जिंदगी भर 100 साल तक बिल्कुल हट्टे कट्टे तंदुरुस्त रहें, क्योंकि उसके बाद भी मैं आपको ढेर सारी नई पॉलिसियाँ सेल करने के लिए आने वाला हूँ। सो हमने क्या बोला, ये 25,17,08,000 जो आखिरी में मिला है इसके अंदर आपको टोटल बोनस सम अश्योर फाइनल बोनस वगैरह सब कुछ लग के मिल गया है, तो इन तीनों का टोटल जरा कोई बता सकते हैं मेरे को कितना बना। मैंने आपको तीन फिगर बताई, 2,46,662 में से 16,782 पहले साल का प्रीमियम माइनस हो गया, बाकी 14 साल का प्रीमियम भी हो गया, इनका टोटल बता सकते हैं कितना हो गया। हेलो
ज्यादा भारी सवाल पूछ लिया क्या? 25,88,000 2 लाख रुपए आपको 120 महीने तक मिलेगा। 2 लाख रुपए जो 2 लाख रुपए था जो आपको ओरिजिनल सम एश्योर्ड था वो आपको 120 महीने तक मिलेगा। 120 महीने का मतलब होता है 1,666 रुपए पर मंथ, ये आपको 1,667 रुपए पर मंथ आपको ये मिलता रहेगा। कब तक मिलेगा आपको ये? 120 महीने तक मिलेगा। 120 महीने तक क्यों मिलेगा? ये 120 महीने इसलिए मिलेगा क्योंकि इसके अंदर पॉलिसी के अंदर डिसेबिलिटी होने पर सम एश्योर्ड का 10% मिलता है। 10% कितना होता है? 2 लाख का 10% होता है 20,000 का सालाना। 20,000 को 12 महीने से भाग देते हैं 1,667 रुपए महीना होता है। तो 1,667 रुपए मंथली आता रहेगा, 120 महीने तक आता रहेगा प्रीमियम वेव होने के बावजूद। अब आप मेरे को बता सकते हैं डिसेबिलिटी होने पर क्या क्या मिलेगा? टोटल कितने रुपए का इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट हो रहा है डिसेबिलिटी होने पर? टोटल कौन सभी लगा के बताइए सभी को, जब प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो पता नहीं लगेगा। मैं बोल के चला जाऊंगा, आप इसको लेक्चर की तरह सुनने की बजाय, टेलीविजन रेडियो की तरह सुनने की बजाय आप इसको यदि मीटिंग की तरह या तो क्लासरूम की तरह चलाएंगे तो शायद आप इसको अच्छे से ज्यादा समझ पाएंगे, वरना नहीं समझ आएगा। ये थोड़ा सा भारी भरकम टॉपिक है, आसानी से समझ में नहीं आता है, किसी को भी नहीं आता है। टोटल बताएंगे डिसेबिलिटी होने पर कितना मिलता है? 20,000 से तो 3 लाख तो मिल जाएगा उसको सर। कौन सा 3 लाख? जो रिटर्न आएगा 10%। 10% के हिसाब से 2 लाख होता है क्योंकि सम एश्योर्ड है 120 महीने तक सम एश्योर्ड मिलने वाला है। 3 लाख नहीं मिलेगा, सम एश्योर्ड जो है वो 2 लाख का है, सम एश्योर्ड 3 लाख का नहीं है, 2 लाख का है। तो 2 लाख रुपए 10% के हिसाब से 10 साल मिलेंगे तो 20,000 रुपए सालाना मिलेगा। तो 20,000 रुपए मंथली के हिसाब से 12 महीने में आप 20,000 रुपए को डिवाइड करेंगे 1,667 रुपए बनेगा। बाकी साथी भी थोड़ा सा कैलकुलेशन करके बताएं। अजय जी आप थोड़ा सा बताएं, बता सकते हैं तो बताएं, थोड़ा सा पार्टिसिपेशन करेंगे अच्छे से सीख पाएंगे। अशोक जी, हरिराम जी थोड़ा सा कैलकुलेशन करें, पॉसिबल है या नहीं है? ये टोटल प्रीमियम था, इसमें से आपका फर्स्ट ईयर का प्रीमियम माइनस हो गया 16,782। 16,782 फर्स्ट ईयर का प्रीमियम आपका माइनस हो गया। उसके बाद जो पैसा आपको ये जो 16,16,000 रुपए हर साल मिला, ये सारा सारा चलता रहा, ये 16,16,000 रुपए चलने के बाद 100 साल तक इसकी जो वैल्यू बनती है, साथ में आपको 100वें साल में 17,08,000 मिल गया। यानी कि 16,16,000 रुपए हर साल आपको मिला इतने सालों का, साथ में ये 17 लाख जोड़ा, टोटल आपका पैसा बना 25,88,000। 120 महीने तक 2 लाख रुपया आपको मिला, 30,17,880 रुपये आपको मिलता है यदि डिसेबिलिटी होता है तो। 30 लाख का फिगर किसने निकाला? आप में से किसी का आया 30 लाख का फिगर? नहीं आया? नहीं सर, नहीं आ पाया। कैसे कैसे हुआ सर? एक तो ये 16,000 वाला 17,08,000 हो गया, 16,000 वाला जो ये आ रहा है इसका तो 17,08,000 हो गया, और जो 2 लाख रुपए थे एक वापस आ गया, मतलब जो ईयरली आ रहा है 17,02,17 लाख और 2 लाख 19,000 हो गया। और क्या जुड़ेगा सर? सबसे पहले 2,46,662 रुपए आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है 2,46,662 रुपए। उसमें से फर्स्ट ईयर का प्रीमियम माइनस हो गया 16,782 रुपए। उसके बाद आपको जो मेच्योरिटी पर मिलने वाला था, ये वाला जो पैसा था ये आपको मेच्योरिटी पर मिलने वाला था 800, ठीक है? ये आपका है फर्स्ट ईयर प्रीमियम, ये पहले साल के अंदर जो आपका प्रीमियम लग रहा था वो फर्स्ट ईयर प्रीमियम है, ठीक है? यहाँ पर क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है, क्लियर, ठीक सर। टोटल प्रीमियम, टोटल पैसा आपने कितना भरा इसके अंदर, टोटल पैसा आपने कितना भरा वो यहाँ पर है, इधर लिखा है टोटल पैसा आपने कितना भरा इतने सालों में, ये टोटल प्रीमियम है, ठीक है? और ये है डिसेबिलिटी का जो 120 महीने तक मिलेगा, डिसेबिलिटी बेनिफिट अमाउंट जो आपको मिलने वाला है 120 महीने तक जो आपको मिलने वाला है। भगवान ना करे दुनिया में किसी के साथ भी डिसेबिलिटी हो, लेकिन यदि हुआ तो पैसे की कोई चिंता करने की बात नहीं है। टोटल डिसेबिलिटी बेनिफिट, डिसेबिलिटी के अंदर टोटल डिसेबिलिटी बेनिफिट आपको कितने मिलने वाला है वो है यहाँ पर लिखा है कि वो आपको टोटल 30 लाख रुपए मिलने वाला है। अभी तक क्लैरिटी है कि नहीं? ये 1,667 जो है, ये 1,667 क्या है? पर मंथ आता है सर जो ये इसका, ये ऑटोमेटिकली अकाउंट के अंदर आता रहेगा, ये अकाउंट के अंदर ऑटोमेटिकली आता रहेगा,
ये सारी बातें करके आपको कुछ फायदा हुआ। अच्छा, ये सिर्फ जीवन उमंग में नहीं है, ये 914 में भी है, 915 में भी है, 936 में भी है, जीवन शिरोमणि में भी है, जीवन अमर में नहीं है, ये वाली सुविधा जीवन अमर में नहीं है, आधारशिला में भी है, आधार स्तंभ के अंदर भी है, ये वाली सुविधा और जगह है, लेकिन कुछ एक प्लान है जिनके अंदर नहीं है। ये बात जान के आपको क्या फर्क पड़ा, जो मैंने इतनी सारी बातें बताई, क्या आपके ये काम की थी? बहुत काम की थी सर, अगर ये फायदा उसको दिखाएंगे किसी को बैठ के ना, तो इससे फायदा तो होता है, ये हम लोग इस पे कोई चर्चा ही नहीं करते थे। डायरी पे लेकर के अगर तभी आप दिखा पाएंगे ना, जब तक आपको नॉलेज नहीं होएगा आप कैसे दिखा पाएंगे? आपको इसके लिए दिखाने के लिए नॉलेज होना जरूरी है ना, जब आपको पता होगा तभी आप दिखा पाएंगे ना, तो सबसे पहले जानना जरूरी है। इसी वजह से सवेरे का यदि 7:30 का मीटिंग है तो 7:30 टाइम से आना जरूरी है। अब मैं तो 7:30 इधर मौजूद हूँ, लेकिन अभी 7:30 बजे आके पता लगता है इधर और कोई है ही नहीं। सबसे पहले हरिराम जी आए 7:36 पे। सो खैर, मैं समय देने को तैयार हूँ, मैं सिखाने को तैयार हूँ, लेकिन सीखेंगे तो फायदा होगा ना, उसके बिना कैसे फायदा होने वाला है? अदरवाइज अटेंडेंस आप देख लीजिए, अभी हम यहाँ पर टोटल मिला के कुल 5 लोग अवेलेबल हैं। सो जबकि आप देख रहे हैं कि सभी को इसका इनविटेशन भेजा गया था, सभी को बुलाया गया था, रात को भी बुलाया गया था, सुबह भी बुलाया गया था, लेकिन या तो मेरे सिखाने के तरीके के अंदर गड़बड़ है, या तो मैं गलत चीजें सिखा रहा हूँ, और 100 साल तक मिलेगा, 30 साल का, 30 साल की उम्र के लिए दिया था और 15 साल का टर्म था, तो 45 साल के बाद उसको मिलेगा, यानी कि 46वें साल से उसको मिलना चालू हो जाएगा। 15 साल जैसे ही कम्प्लीट होंगे पैसा मिलना शुरू, 100 साल तक मिलेगा, 100 साल तक, ठीक है, तो 55 साल, 100 साल तक पक्का। ये वाला पॉलिसी एक आप अपना भी ले लीजिए, ये वाला बहुत ही शानदार प्लान है, एक आप अपना भी ले लीजिए। वही तो पूछ रहा हूँ, 55 साल होता है, 55 साल को 16 हजार से डिवाइड करता हूँ तो, हाँ जी, 55 साल को 55 साल ही तो हुए 45 साल बहस करने के बाद, हाँ जी, हाँ जी, तो 55 साल जो हुए, 55 साल को मैं 16 हजार से डिवाइड करता हूँ तो 8,80,000 ही बैठ रहा है, जबकि इसमें 17 लाख दिखा रहा है। आपकी बात सही है, यहाँ पे 17 लाख इसका टोटल नहीं है, 17 लाख इसमें ये लिखा है कि 100 की उम्र में 17 लाख मिलेगा, बैलेंस जो है आप ये 25,88,000 में से माइनस करिए 17,08,000 को, कितना आया जो आपका टोटल पैसा मिल रहा है, सबसे नीचे टोटल कर रखा है 25,88,000 रुपए टोटल आपको मिला जी। इसमें से आप माइनस करिए 100 की एज में आपको मिला 17,08,000, बाकी का डिफरेंस कितना आया? 100 साल में जैसे 55 साल 16,000 मिलेगा, 100 साल पूरा करने के बाद मिलेगा क्या ये? 100 साल कंप्लीट करने के बाद आपको 100 साल तक का बोनस मिलेगा। अच्छा, 100 साल तक के बोनस का टोटल होता है 17,08,000 रुपए, जो आपका टोटल पैसा मिल रहा है वो 25,88,000 मिल रहा है 100 की उम्र तक, जो टोटल पैसा मिल रहा है 100 की उम्र में मिलेगा 17,08,000, और उसके पहले हर साल आपको 16,000 16,000 16,000 16,000 ये मिलना शुरू हो चुका था 15 साल कंप्लीट होते ही, तुरंत जैसे ही 15वां साल कंप्लीट हुआ तुरंत आपको 16,000 मिलना शुरू हो गया था, 16वें साल से मिलना शुरू हो गया था, समझ गया, ये पैसा आपको लगातार आ रहा है, टोटल जाके इसका यहाँ पर बनता है 25,88,000 रुपए। आप 25,88,000 में से 17,08,000 को माइनस करेंगे तो आपका आएगा 8,80,000 रुपए, जो आपको बीच बीच में इनकम आया। आप इस 16,000 को इनकम भी बोल सकते हैं, आप इस 16,000 को पेंशन भी बोल सकते हैं, आप इस 16,000 को सर्वाइवल बेनिफिट भी बोल सकते हैं, आप इस 16,000 को मनी बैग भी बोल सकते हैं, आप जो मर्जी बोल सकते हैं, समझ में आना चाहिए कस्टमर को, समझ में आना चाहिए आप क्या बोलते हैं, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन कस्टमर को समझ आ गया। मान लीजिए इसको किसी को 60,000 रुपए ईयरली चाहिए हो तो उसे 5,000 रुपए मंथली कर सकते हैं। 5,000 करो ना, इसके अंदर क्या दिक्कत है, 5,000 मंथली करने में प्रॉब्लम क्या है? आप इस 16,000 को बढ़ा के, हाँ जी, आप प्रीमियम का बजट बताओ, आप ये जो भी आपको बोले ना कि सर मेरे को 5,000 रुपए मंथली का इनकम दो, क्या ना सर आप अपना पहले बजट बता दो, क्योंकि 5,000 मंथली के हिसाब से आप निकालोगे प्रीमियम आएगा कुछ और, उसका बजट था कुछ और, आप सिर्फ ये चेक करो सर आप पैसा कितना भर सकते हो, उसके बाद जो उसका इनकम आएगा वो आ जाएगा, चाहे 5,000 महीना आए या कुछ भी आए, चेक कर रहा हूं 5,000 मंथली के लिए 5,000 मंथली ही भरना पड़ेगा क्या? 5,000 मंथली के लिए 5,000 मंथली ही भरना पड़ेगा। नहीं नहीं, आप भरना कितना चाहते हो, 5,000 मंथली भरना चाहते हो? मैंने आपका इसके अंदर प्रीमियम भरने का कितना इच्छा है? हाँ जी,
आप इसके अंदर प्रीमियम कितना भरना चाहते हैं? मैं समझ नहीं पाया, आप इसके अंदर प्रीमियम जो भरना चाहते हैं वो कितना रुपया भरना चाहते हैं? जैसे कि इसमें कम से कम 16,000 रुपए सालाना पेंशन मिल रहा है, तो मैं उसको 5,000-60,000 रुपए सालाना पेंशन करा था। हाँ, तो वही पूछना था, जो 5,000 मंथली हो जाएगा ना इसमें? लिखा तो है, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर लिखा है 5,000 महीने के हिसाब से 58,000 रुपए साल का इसमें पेंशन आ रहा है। थोड़ा सा इसमें चेंज कर देते हैं, मैं 5,000 की जगह इसको 5,100 कर देता हूँ। जैसे इसको 5,100 किया, आप ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर जो पेंशन अमाउंट लिखा है 60,000 लिखा है, आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है 60,000 रुपए साल का आपको जो पेंशन का अमाउंट है वो नजर आ रहा है? 60,000 ईयरली रुपीस का पेंशन आपको अमाउंट दिख रहा है कि नहीं? मंथली हो जाएगा ना? हाँ, क्यों नहीं होएगा? आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है मंथली का आप 5,268 रुपए भरिए, आप 5,268 रुपए के हिसाब से 2 महीने का ले लीजिए, 10,600 रुपए के करीब बनता है आपका। आप इसको या तो LIC के बैंक बोलिए, बताइए बताइए सर, रिटर्न जो मिलेगा वो ईयरली मिलेगा या मंथली मिलेगा, ये कह रहा हूँ मैं। यदि आप एक पॉलिसी करेंगे तो ईयरली 6,500 मिलेगा, यदि आप दो पॉलिसी बना देंगे, जैसे ये 7,500 का समर शोर्ट लिखा है यहाँ पर, आप 7,500 का समर शोर्ट के हिसाब से आपने दो पॉलिसी बना दिया, मान लीजिए आपने 375 का दो पॉलिसी बना दिया, तो ये 6,500 रुपए जो आपको साल में एक बार आने वाला था, 33,000 रुपए दो बार आएगा। आपने इसी 7,500 का 3 पॉलिसी बना दिया, 2,500 का 3 पॉलिसी बना दिया, और उनको तारीख जो है आपने गैप दे दिया, जैसे अभी 12वां महीना चल रहा है, तो आपने 4-4 महीने का गैप करके 3 पॉलिसी 2,500 का बना दिया, तो यही पैसा आपको 20,000 रुपए साल में 3 बार आएगा। ठीक है जी, और नहीं सर इसके अलावा कुछ जी? और कुछ आप बोलना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं इसके बारे में? नरेंद्र जी गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग जी। नरेंद्र जी क्या प्रोग्रेस सर? जी नरेंद्र जी क्या प्रोग्रेस? हाँ प्रोग्रेस सर, क्या है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, क्या प्रोग्रेस? जी जी जी, कल सर हुआ है सर, एक 2 लाख का सर चेक आया सर कल सर मॉर्निंग में। बधाई हो, 2 लाख रुपए प्रीमियम का चेक आपका आ गया, बहुत बहुत बधाई आपको नरेंद्र जी, आज उसको जमा कर लीजिए, पॉलिसी नंबर लगा लीजिए। जी बढ़िया, और बढ़िया सर, और कुछ लोग सर लाइन में सर, अभी वो भी कुछ लोग लाइन में है और उनको भी सर मिलना है अभी सर। हाँ, और सर होपफुली सर आज भी सर 2 प्रपोजल सर हो जाएंगे सर रेडी। ठीक है, बढ़िया, विश यू ऑल द बेस्ट। आपका जो है सेल डेली होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मीटिंग कर लीजिए, इतना बढ़िया सेल का माहौल यदि मार्च के आखिरी के दिनों में होता है, पूरे साल कभी भी इतना ज्यादा पावरफुल स्ट्रांग माहौल सेल का नहीं होता है। 22 मार्च से लेकर 31 तक 9 दिन का टाइम बचा है, इन 9 दिनों में क्लब मेंबर यदि आप नहीं बने तो बाकी पूरे साल बनना तो बहुत भारी काम है। इन 9 दिनों के अंदर यदि आपने फाइनेंशियल क्लोजिंग का फायदा यदि नहीं उठाया तो भाई फिर तो बाकी सारे तो सेल कर रहे हैं, बाकी सबका तो सेल हो रहा है। सेक्शन 80C के अंदर 1.5 लाख रुपए का टैक्स सर, अपना क्लब मेंबर का टारगेट नहीं है सर। क्या सर अपना टारगेट? सर मेरा टारगेट क्लब मेंबर का नहीं है सर। आपका टारगेट ही नहीं है? अच्छा, आपका टारगेट क्या है? नहीं सर, मेरा टारगेट सर क्लब मेंबर का नहीं है सर, मेरा टारगेट MDRT क्वालीफाई करने का जल्दी से। MDRT आप कर लीजिएगा, फिलहाल MDRT करने का टाइम नहीं है, आखिरी के 9 दिनों के अंदर MDRT के ऊपर फोकस मत करिए, आखिरी के 9 दिनों के अंदर MDRT जो है वो थोड़ा सा लंबा प्रोजेक्ट है। आप कह रहे हैं कि मेरे को 100 किलो उठाना है, आप 100 किलो उठा लीजिएगा, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, फिलहाल 15 किलो उठा लो, 15 किलो उठा लो फिलहाल, अभी 15 किलो उठाना ज्यादा आसान है, 100 किलो उठाना थोड़ा सा भारी काम है। आप 15-15 किलो से बढ़ा के 100 किलो तक जाओगे, आसानी से उठा पाओगे, आप एक ही बार में 100 किलो उठाने की कोशिश करोगे तकलीफ वाला काम है, तो 100 हम उठाएंगे, मैं 100 किलो उठाने को मना नहीं कर रहा, लेकिन शुरुआत 15 से करो, 15 उठाओ, 16 उठाओ, 17, 18, 19, 20, 1-1 किलो, 2-2 किलो करके बढ़ाओगे, आसानी से 100 किलो उठा पाओगे, 100 से ज्यादा भी उठा पाओगे, लेकिन एकदम से आप करो बोलोगे मैं शुरुआत ही 100 से करूंगा। सर शुरुआत 100 से नहीं करना है सर, शुरुआत के लिए 100 से नहीं बोल रहा हूँ सर। सर अब जैसे सर अपना सर जैसे होता जा रहा है सर वैसे ही है सर, बट सर मैं बाउंड्री सर ये नहीं बांधता हूँ कि हाँ मुझे 31st सर
कोशिश करूंगा कि हाँ मेरा क्लब मेंबरशिप हो जाए, बट टारगेट मेरा सर वेरी क्लियर क्लब मेंबरशिप है बिल्कुल नहीं है। मेरा सर टारगेट ये है कि अपना मैक्सिमम को अपना बड़े बड़े क्लाइंटों से मिलना, उनसे बड़े बड़ी सर पॉलिसीज या बड़ा प्रीमियम सर पिक करना, मेरा सर अपना टारगेट ये है। और सर ये टारगेट सर मैं आपको सर बता, हां सर नंबर ऑफ मीटिंग डेफिनेटली सर नंबर ऑफ मीटिंग पढ़ाऊं। सो विश यू ऑल द बेस्ट। अब हम कल सुबह दोबारा से मीटिंग करेंगे, हमारा आखिरी के 5-6 सेकंड बचे हुए हैं। आखिरी के 5-6 सेकंड के अंदर जो है हमने पिछले 39 मिनट के अंदर बहुत सारी पावरफुल बातें करी। कल सुबह 8:25 पर, मंगलवार के दिन हम 8:25 पर दोबारा से मिलेंगे, और आप टाइम से आएंगे तो शायद आपको और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। आज हमने डिसेबिलिटी बेनिफिट को डिटेल में समझा, जीवन उमंग को डिटेल में समझा, कल हम इससे भी ज्यादा पावरफुल टॉपिक लेकर आएंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम टॉपिक कुछ और लेकर आते हैं, लेकिन आपकी जरूरतों को देखते हुए, आपके डिस्कशन को देखते हुए, आपकी बातचीत को देखते हुए टॉपिक को बदलना पड़ता है, आपकी अटेंडेंस को देखते हुए टॉपिक को बदलना पड़ता है। सो हमारा ओरिजिनल टॉपिक चाहे जो भी हो, मकसद हमारा क्या है कि जो भी चीज हम डिस्कस करें उससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट होना चाहिए। तो क्या आपको आज का जो टॉपिक